मैं ज्योति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज के समाचार की। आदाब नमस्कार, मैं हूँ दीश जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम। जी हाँ, आज मातम हुसैन का जो मुस्तफ़ाबाद में यहाँ पर हुआ है मातम हुसैन का पूरा दृश्य हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो है पार्षद और होने वाले MLA कांग्रेस के अली हसन साहब भी आए थे, उन्होंने अपने अपने विचार रखे। ये सामने अली हसन जी हैं, हम आपको इनके विचारों से अवगत कराएंगे। पार्षद जी हैं, उनके भी विचारों से अवगत कराएंगे। आप पूरा आंखों देखा हाल आज देखिए हमारे संवाददाता द्वारा। जी हाँ, मातम हुसैन मुस्तफ़ाबाद में है और आज ये जुलूस बरपा हो रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे, उनके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की आज शहादत का दिन है और उसी के मुताल्लिक यहाँ पे बड़ा कदीमी ये जुलूस निकाला जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम सभी तरीके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े ही बड़े खुलूस के साथ यहाँ पर सब लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अकीदत पेश करते हैं। उनके बेटे का उनको पुरसा देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये कहीं ना कहीं जो जुलूस है, ये अपने आप में एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मैसेज है। ये जो जुलूस होते हैं, जो आप देख रहे हैं काले कपड़े पहन के जो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, ये काले कपड़े की वजह ये है कि हम किसी चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हुई थी उनके ख़िलाफ़ हैं। एक तरफ जो जुलूस निकालती है पार्टी, उसमें एक विशेष मामला दिखाई देता है। जी हाँ, और आज जो है एक अलग ही मामला है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो उस जुलूस में और इस जुलूस में क्या फ़र्क है? देखिए, यहाँ किसी जुलूस से किसी जुलूस का कोई टकराव नहीं है, ना ही किसी जुलूस से किसी जुलूस का कंपैरिजन किया जा सकता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं, और मैं आपके टीवी के माध्यम से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के DCP जनाब जॉय टिर्की साहब का, जिनसे हमारे दोनों निगम पार्षद जिनसे मिलने गए थे, और उन लोग और जो कमेटी के लोग हैं वो भी गए थे। उन्होंने जब ये बात कही कि 15 अगस्त का मौजू है, लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि जिम्मेदारी लेते हैं और यहाँ बहुत ही शांतिपूर्वक जुलूस निकलेगा, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अभिषेक गुप्ता हमारे ACP हमारे अभिषेक गुप्ता जो ACP हैं यहाँ के, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट का जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट कराए और किसी को कोई परेशानी ना हो, पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, उसका भी ख्याल रखा। और ख़ास तौर से मुस्तफ़ाबाद की आवाम का और मुस्तफ़ाबाद के जो यहाँ के तंजीम के जो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से इस जुलूस को चलवाया है। और उसको चलवाने के साथ साथ बड़े अमन और शांति के साथ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम था, उसको पूरी तरीके से ये जुलूस यहाँ पे दर्शाता है, बताता है कि जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत देके इस्लाम को ज़िंदा किया और ये बाद में बताया कि मोहब्बत से सारी जंगें जीती जा सकती हैं, अमन और शांति से सारी जंगें जीती जा सकती हैं, वैसे ये जुलूस भी बता रहा है कि हम लोग वो हैं यहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो एहतराम करते हैं सभी मज़हब का, सभी जात बिरादरी का, और बड़े सुकून और बड़ी मोहब्बत के साथ इस जुलूस को लेके जाएंगे। अभी आप देखेंगे जुलूस यहाँ से चलता हुआ कब्रिस्तान तक जाएगा और मुझे लगता है कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये जाएगा। मैं शुक्रगुजार सबका हूँ, सारे जो यहाँ के इंतज़ामिया हैं, हमारे जो दोनों निगम पार्षद हैं हाजी खुशनूर साहब, जावेद चौधरी साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस का, हमारे DCP साहब का, SHO साहब का, ACP साहब का, और सभी लोगों का जिन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट किए और बहुत ही शांतिपूर्वक इस जुलूस को लेके जा रहे हैं। जो पैगामे इस्लामिया है, जो पैगामे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था, इमाम हुसैन का जो पैगाम था, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग प्यार से मोहब्बत से उस पैगाम को आम करते हुए चल रहे हैं और मैं परवरदिगार आलम से ये दुआ करता हूँ, 15 अगस्त आ रही है, हमारा देश आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने मुल्क से मोहब्बत रखनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस मुल्क का, हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी इस
ज़मीन से प्यार करता है, इस ज़मीन को मोहब्बत करता है। हम अपने देश के लिए भी दुआ करते हैं आज इस जुलूस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में कि हमारे सभी भाइयों को सेहत व ज़िंदगी और हमें परेशानियों से दूर रखे और हमारा देश तरक्की करे। और मैं दुआ करता हूँ सभी अपने मुस्तफ़ाबाद की आवाम के लिए कि अल्लाह सबको तरक्की अदा करे, सभी लोगों को लंबी उम्र दे और सब जो हमारे जवान हैं इन्हें तरक्की दे। ये मेरी दुआ है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक बात जोर से और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये किंग जोन आए साउथ अफ्रीका से, हमारे पाशा जी की से काफ़ी चर्चा हो रही है सफाई के मामले में, बहुत कुछ करके दिखाया जैसे कि और जो पाशा थे उनके मुकाबले में। आपको कैसे महसूस हो रहा आज के फंक्शन में? देखिए अभी हम लोग खड़े हैं वार्ड मुस्तफ़ाबाद 243 का, ये मेन रोड है ब्रजपुरी वाला रोड। यहाँ पर ये मुहर्रम का 40वें का जुलूस आज निकल रहा है। ये इमाम बारगाह से 6 नंबर और 7 नंबर से निकल करके कब्रिस्तान तक जाएगा। हम यहाँ पर इसमें शरीक हैं। आपके वार्ड में आता है? जी मेरे वार्ड में ही आता है और ये आगे जा करके ईदगाह पर के पीछे जो कब्रिस्तान है वहाँ तक जाएगा, जो ब्रजपुरी वार्ड में लगता है, हमारे जावेद भाई का वार्ड लगता है, वहाँ तक ये जुलूस पहुँचेगा अमन और सुकून के साथ। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हम उसके लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि अली भाई ने भी बताया, सबसे बड़ी चीज़ है जितने भी शहीद हुए हैं हम उसके लिए अपनी खिराज अकीदत पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये सब शहीदों को आला से आजा दर्जा मकाम अता फरमाए परवरदिगार। और ये जो जुलूस यहाँ से निकल करके क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने इसके बाद? इस जुलूस के बाद इंशाल्लाह 15 अगस्त की सब तैयारियां चल रही हैं। 15 अगस्त के लिए मैं अभी से ही सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और कई जगह पर 15 अगस्त के प्रोग्राम होंगे, उसमें हमारे क्योंकि हिंदुस्तान का झंडा जो हमारी आन और बान शान है वो लहराया जाएगा। कल हीरा पब्लिक में है? जी हीरा पब्लिक में भी है, मुख्तलिफ जगहों पर है जी जी। हमारे MCD स्कूल में भी है और भी कई जगह पर है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि अमन के साथ सुकून के साथ अपने हिंदुस्तान की आन बान शान तिरंगे को शान से लहराएं, उसका पूरा उसकी ध्यान रखें, उसकी अजमत का उसको बनाए रखें और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जावेद भाई, जावेद भाई जैसे कि एक मोदी जी ने पैगाम दिया है कि घर घर तिरंगा, उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मोदी जी तो अभी आए हैं, मोदी जी से पहले भी ये तिरंगा लहराता रहा है हर घर में। मोदी जी की वजह से नहीं तिरंगा लहरा रहा, तिरंगा जो लहरा रहा है, जो हमारे देश के हमारे बड़ों ने जो बलिदान दिया है उनकी वजह से तिरंगा लहरा रहा है। आप अपने क्षेत्र में क्या क्या प्रोग्रेस किए हो? तो क्षेत्र की प्रोग्रेस तो चली रही है जो भी होनी है। आज इमाम हुसैन का जो मर्तबा, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, प्रोग्रेस तो चलती रहती है, रोज़ का काम है ये हमारा जो चलती रहती है। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, जिस मुकाम पर खड़े हैं, हम उसके लिए कहना चाहेंगे कि इमाम हुसैन का जो मर्तबा है वो इस्लाम जिंदा है, उनकी बदौलत यहाँ जो आप देखने को मिल रहा है सारे लोग जो खड़े हुए हैं, ये अल्लाह का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, उनकी वजह से यहाँ हम खड़े हुए सब। आज अरबईन के मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शबी के जो जुना था उसे निकाला जाता है, साथ में मातमी दस्ता जिसमें दीगर अंजुमन हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आई हुई हैं जो मातम को अंजाम दे रही हैं। गम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर, आप देख सकते हैं ख्वातीन भी बढ़ चढ़ कर इसमें ज़ियारत करने के लिए आई हुई हैं, बच्चे बूढ़े ख्वातीन और जवान हजरत सभी गमे हुसैन के अंदर मौजूद हैं। ये मातम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर किया जाता है जिसे दीगर अंजुमनें अंजाम देती हैं। उठा जो
परचम उठाएंगे, तेरा परचम उठाएंगे। बढ़िया लग रहा है, ये सब हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसमें देश की भागीदारी का महत्व, हाँ I'm
थोड़ी जगह शुक्रिया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब।